3D टेक्स्ट। भाई लोग सब जोर से बोलो औरा। न्यू स्टाइलिश डिजाइन टेक्स्ट, ये देखिए कुछ इस तरह का है। तो इधर आपको बहुत सारे फोटोस मिल जाता है। नमस्कार भाई लोग, औरा पार्टी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम 3D टेक्स्ट, देखिए 3D टेक्स्ट आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं अपना मन चाहे स्टाइलिश का टेक्स्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। 3D मल्टीप्लेट टेक्स्ट ऑप्शंस, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज का इस वीडियो में हम इसी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ये एप्लीकेशन के जरिए से आप 3D टेक्स्ट, 3D फोटो को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट के साथ इसमें फोटोज़ को एडिटिंग कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको इधर फोटो में दिखाई दे रहा है, ये देखिए इधर आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। आप टेक्स्ट को आप जो कुछ भी लिखेंगे तो उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट के साथ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इफेक्ट के साथ, आपको जैसा मन बोलता है, जैसा फिल्म में होता है या फिर जैसा टेक्स्ट का डिजाइन होता है, स्टाइलिश होता है, आप हर तरह का टेक्स्ट मतलब लिखने का आकार को, हर तरह का आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। आपका मन जैसा बोलता है आप उसी तरह का टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए भाई लोग औरा बोल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाला एप्लीकेशन है तो इसको हम अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो देखते हैं करके हो जाए। भाई डाउनलोडिंग चल रहा है अभी, तो ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया है, 95 ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आज का इस वीडियो में हम इसी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, इसका पूरा फ्यूचर, इसका एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, इसका एक एक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, एक एक इफेक्ट में क्या क्या होता है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। इस एप्लीकेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, और वीडियो का लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसको आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ओके, तो जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आपके सामने एक इस तरह दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इधर आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इसका पर प्रेस करने से आपको कोई भी टेक्स्ट यहां से लिख, प्लस का मतलब होता है ऐड करना, मतलब प्लस करना। तो इधर कोई भी टेक्स्ट को आप ले सकते हैं, इसका पर प्रेस किया हमें, ये देखिए इधर न्यू टेक्स्ट आ गया, इस तरह से आप आ गया है। ठीक है, ये देखिए इसका पर प्रेस करने से हमने ये जो टेक्स्ट लिया था, ये टेक्स्ट लिया था, इसको डिलीट कर देते हैं। इसका पर जो डिलीट का ऑप्शन है, इसका पर प्रेस करने से ये डिलीट हो जाता है। देखिए ये जो टेक्स्ट है, हम इस प्लस का पर प्रेस करेंगे और हम टेक्स्ट ले लेंगे, इसका पर प्रेस करेंगे, डबल टैप करेंगे, ऐसे डबल टैप करने से इधर आ जाता है। आप यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट को ले सकते हैं और देखिए इस तरह से ये जो ऑप्शन है, इसका पर प्रेस करने से ये टेक्स्ट जो है बड़ा हो जाता है। उसके बाद ओके कर दीजिए, ओके करने के बाद ये देखिए अपना टेक्स्ट इधर आ जाता है। आप इस तरह से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन दिखा रहा है, आप इसको प्रेस करके, सॉरी ये जो बीच वाले, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब ये रोटेट होगा। ये देखिए हो जाओ भाई थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम, ये देखिए आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका पर प्रेस किया, प्लस का पर प्रेस किया, हो जाओ भाई हाँ इधर बोल रहे हैं डेट, तो इसका प्रेस करने से ये डेट आता है, इसको डिलीट कर देंगे। जो मेन बात है मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्टिकर, आपको अगर कोई स्टिकर चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखिए कोई इस तरह का स्टिकर है, तो आप नीचे में देखिए आपको बहुत सारे स्टिकर आपको मिल जाता है। जैसा आपको स्टिकर चाहिए आप फोटो में स्टिकर को लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए बहुत सारे स्टिकर आपको मिल जाएगा, ये देखिए कुछ बहुत सारे रंग में रंगीन, बहुत सारे स्टाइलिश डिजाइन का स्टिकर आपको इधर मिलता है। देखिए आपको यहाँ इमोजी मिलता है, इमोजी का ऑप्शन है, इधर स्टिकर प्लस का ऑप्शन है। देखिए आप स्टिकर को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, और मैं आपको ये वाला स्टिकर दिखाता हूँ। देखिए ये वाला आपको यहाँ से बड़ा करना है और इसको इधर में रख देना है कुछ इस तरह से। देखिए ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है ये एक सिंपल सा घर है, देखिए कुछ इस तरह से है। आप इस घर को यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, देखिए इस तरह से आप यहाँ से कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार को ले लेता हूँ, ये स्टार को ले लिया, आप इसको बड़ा, मतलब ये देखिए ओपेसिटी, इसका ओपेसिटी होता है ना, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप जेनुअली कुछ भी कलर दे सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से ये कलर आएगा, या फिर आप कलर का इफेक्ट भी डाल सकते हैं जिस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ से इसका जो आउटलाइन होता है ना, इसका जो आउटलाइन बाहर की तरफ, उसको आप बड़ा या घटा कर सकते हैं। उसके बाद ये ओपेसिटी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं बाहर वाला का, आप उसको कैसा लुक देना चाहते, देखिए कुछ इस तरह से आता है। ये देखिए कुछ इस तरह से आता है, तो आपको ऐसा मर्जी आप कर दीजिए, कुछ इस तरह से आता है। देखिए ये जो है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए आप ऐसा ओके कर सकते हैं, इसका ओके करने से ये सेव हो जाएगा। हम काट देते हैं इसको, ओके कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आपको मिलता है फ्रॉम गैलरी। आप गैलरी से कुछ भी फोटोज, कुछ भी वीडियोज़ को आप ले सकते हैं। ये देखिए हमारा गैलरी है, ये ओपन हो गया है। आप यहाँ से कोई भी फोटोज और वीडियोज़ को ले सकते हैं। आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए। देखिए इस तरह से आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इसको काट भी सकते हैं। ये देखिए क्रॉप करके आप ले सकते हैं, आप क्रॉप करके ले लीजिए,
आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये इधर आ जाता है। देखिए कुछ इस तरह से आप फोटोज़ को भी ऐड कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया ऐसा होता है और ये छोटा या बड़ा होता है। ओके तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ का, ये देखिए ये ड्रॉ का ऑप्शन है। आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से अपना नाम लिख सकते हैं और रबर बोल के। ये रबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये रबर का कम या बड़ा ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और इसको मिटा सकते हैं। इसको बड़ा कर दीजिए और मिटा भी सकते हैं, देखिए इस तरह से। उसका नीचे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं स्मूथ का, और आपको देखिए बहुत सारे ब्लूर का, मतलब आप कुछ ड्रॉ करते हैं तो उसको ब्लर कर देता है ये। ओके आप यहाँ से और भी ऑप्शन कर सकते हैं, यहाँ से आप रिकवर भी कर सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ से रिकवर कर, यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये रिस्टोर के लिए दिया है, हम इसको काट देते हैं। ये हमने इसको काट दिया है। उसके बाद आपने अगर फोटो में कभी गलती किया हो, आपने अगर फोटो एडिटिंग टाइम में गलती कर दिया तो इसका ऊपर प्रेस करके आप इसको रिकवर कर सकते हैं। और ये जिसका प्रेस करने से ये जूम होता है, इस तरह से जूम होता है, और इसका ऊपर प्रेस करने से आपको एक आउटलाइन आता है। और ये जो है ये लेयर का ऑप्शन है, ये लेयर का ऑप्शन है। देखिए साइड में लेयर आ जाता है। इधर आपने क्या क्या सेट किया है, फिलहाल हमने दोनों चीज़ सेट किया है। यहाँ लेयर का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, ये इसको आप हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ओके तो हम इसको प्रेस कर देते हैं, चला जाता है ये। उसके बाद आपको इसका पर प्रेस करके ये जो पेंसिल का आइकन आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का, इसका पर प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसको कॉपी करने के लिए दिया गया, ये कॉपी होता है, इसमें कॉपी हो गया। देखिए दोनों दो बन गया, एक को डिलीट कर देता है, डिलीट हो गया। इसके ऊपर प्रेस किया तो इसका एक मेनू निकल के आता है, देखिए। अच्छा भाई ये देखिए, इसका ऊपर प्रेस करने के बाद इसका ऊपर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये बड़ा या छोटा करने के लिए, आपको तो बता दिया पहले से ही। उसके बाद आपको नीचे आना पड़ेगा, ये देखिए कुछ इस तरह से आता है बड़ा या छोटा करने के लिए। आप इसको बड़ा छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेस कीजिए, इसका ऊपर प्रेस कीजिए। आपको जो टी डबल टी दिखाई दे रहा है, इसका प्रेस करने के बाद आपको ये बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए जितना छोटा चाहिए आप कर लीजिए। ओके उसके बाद ये टिक कर दीजिए, टिक कर दिया, हमने टिक कर दिया। टिक करने के बाद आपको दोबारा प्रेस कीजिए। इधर आपको कलर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कुछ टेक्स्ट का कोई भी कलर आप ले सकते हैं। यहाँ आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलता है और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है। ओके उसके बाद आप नीचे में देखिए, आपको बहुत सारा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, आप कोई भी बैकग्राउंड को ले सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ओके कर दिया हमने, ये देखिए ये कुछ इस तरह का बैकग्राउंड आप ले सकते हैं, इस तरह से बैकग्राउंड। ये देखिए आपको पहले ही बना, ये सब बना हुआ है, देखिए कुछ इस तरह का बना हुआ है, आप पहले से ये सबको ले सकते हैं। इसका प्रेस किया, मैं डबल टैप किया, इसको हमने काट दिया, इधर हमने लिख दिया खुद का नाम और पार्टी, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखिए, ये हमारा जो टेक्स्ट है ये रेडी हो गया है। तो आप इसी तरह से अपना खुद का, मतलब ये थोड़ा ट्रेलर दिखाने के लिए, ये थोड़ा ट्रेलर है दिखाने के लिए, ट्रेलर दिया गया है। देखिए ये थोड़ा ट्रेलर है, इसका ऊपर प्रेस किया मैंने और इधर मैं लिख दिया मेरा उरा पार्टी। देखिए इसको हम ओके कर देंगे, ये हमने ओके कर दिया, ओके हो जाए भाई, हाँ ओके हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरह का ये आ गया है। ओके तो ये इस तरह का आ गया है। तो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, नहीं तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कर दिया हमने, ये डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। और इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट में रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ये डिफ़ॉल्ट हो गया है। इसको भी हम डिलीट नहीं, इसमें हम अपना नाम लिखेंगे। देखिए ये हमने और पार्टी हमने नाम दे दिया है। देखिए नाम देने के बाद आपको क्या करना है, इसका पर प्रेस करने के बाद आपको इधर मिलता है, आपको नीचे और भी ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। देखिए इधर ए लिखा हुआ, इसका पर प्रेस करने के बाद आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसका पर प्रेस करने से आपको इसका स्टाइलिश मिलेगा, ये देखिए स्टाइलिश आप ब्राउजर से ले सकते हैं। इसका पर प्रेस करने से आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से, मतलब आप लिखा को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये जो आपने लिखा है इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और ये सब फ्रंट का, बैक और फ्रंट का स्टाइलिश के लिए दिया गया है, मतलब आप इस फ्रंट को बैक में रखेंगे या पहले रखेंगे। ओके मैं आपको एक फोटो लेकर दिखा देता हूँ, ये हमने गैलरी से एक फोटो ले लेते हैं, कोई फोटो ले लेंगे, कोई फोटो को कौन सा फोटो को ले भाई, कौन सा फोटो को ले, हाँ हमने ये फोटो को ले लेते हैं, ये वाला फोटो को हम ले लेंगे, इसको हम थोड़ा कॉपी कर लेंगे इस तरह से, सॉरी इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये वाला फोटो का हम ले लेंगे, यहाँ से थोड़ा क्रॉप करके काट के ओके कर देंगे। देखिए ये हमने एक फोटो ले लिया है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ से छोटा कर देता हूँ मैं। अब इसका ऊपर प्रेस करके आप छोटा ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, देखिए इस तरह से आपको ये मिलता है। ओके आप इसका ऊपर प्रेस करके आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। देखिए हमने टेक्स्ट का ऊपर प्रेस किया तो बहुत सारा ऑप्शन आ गया, इसका ऊपर प्रेस करेंगे तो इसका मेनू निकल के आता है। ये देखिए अब इसको मैं फ्रंट पे लगा था, फ्रंट में आ रही फ्रंट में, ये फ्रंट ये बैक, ये फ्रंट ये बैक, ठीक है ये फ्रंट ये बैक, इसके लिए ये काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको आता है इसका चारों कॉर्नर, आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। मूविंग के लिए दिया गया है, ये भी मूविंग के लिए दिया गया है, इसको आप साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ये देखिए बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं, ऐसा आपका मर्जी होता है, आप उसका कर लीजिए। इसको टिक कर दीजिए, आप इसका नीचे एक लाइन दे सकते हैं कुछ इस तरह का, ये देखिए कुछ इस तरह का ये काम करता है, ये इस तरह का, उसका नीचे आपको तो कुछ मिलता नहीं है।
आपको ओके कर देता हूँ मैं। ओके करने के बाद उसके बाद आपको मिलता है कलर का ऑप्शन, ये देखिए इधर मैं कलर लिखा हो जाए फोकस, हाँ आपको कलर का ऑप्शन मिलता है, कलर का क्लिक किया मैंने और आपको ये जो टेक्स्ट है आप इसको कलर कर सकते हैं कुछ इस तरह के, ये देखिए इसको कलर कर सकते हैं इस तरह से कुछ कलर। आपको यहाँ कॉपी का ऑप्शन मिलता है, आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, हाँ हमने इतना को कलर करेंगे, इतना को कलर करेंगे, देखिए इसे कलर हो जाता है, हमने कलर का ऑप्शन दबाया और ये कलर देखिए हमने सिर्फ इसी को चुना है इधर नीचे, तो यही कलर होगा, दूसरा जो है वो कलर नहीं होगा। तो आप इस तरह से कलर कर सकते हैं, आपको जितना कलर करना है आप नीचे उतना सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं सिर्फ इसको करता हूँ तो सिर्फ यही कलर होगा, ये देखिए ये कलर होगा, हम ये करेंगे कलर हो जा रहा है ना, ये देखिए इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक हो गया। ओके उसको ओके कर देते हैं, सॉरी थोड़ा इसको मैं कलर इसको व्हाइट कर देता हूँ, हाँ व्हाइट नहीं व्हाइट नहीं करेंगे। ये देखिए उसके बाद का नेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये प्रेस किया हमने, आप ये थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा आपको इसके बारे में, ओके आप याद रखिए इसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा। इधर आपको ओपासिटी मिलता है, ये जो आपने लिखा है इसका ओपासिटी को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए इसको एनेबल कर दीजिए, ठीक है उसके बाद आप घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, आप शो कर सकते हैं इसको, इधर का आपका ओपासिटी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, हम काट देते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये रोटेट, आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं, आपको ऐसा रखना है तो ये मेरे को चाहिए, ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको अगर गलती हो गई तो आप यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं, देखिए रिस्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपको मिलता है MASK, इधर आप इसको कम घटा मतलब कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से इसको मिटा सकते हैं इस तरह से, थोड़ा मैं इसको ये देखिए आप यहाँ से देखिए इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा रुकिए मैं आपको बताता हूँ धीरे से, यहाँ से आप इसको मिटा सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरा मोबाइल थोड़ा काम नहीं कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, इसीलिए आप यहाँ से इसको मिटा सकते हैं इस तरह से कुछ, तो ये मिट गया। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा हटा सकते हैं इस तरह से, लेफ्ट राइट करने के लिए दिया गया है इसको, आप हटाने के लिए दिया गया है इस तरह से कुछ, तो ये आपको फोटो में काम में आता है, मतलब कोई भी चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हैं, कोई भी स्टाइलिश देना चाहते हैं तो ये बहुत 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 ही काम में आता है, ये चीज़ आप कहीं भी इसको काम में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसके बारे में मैं पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, तो मैं बाद में बताऊँगा इसके बारे में आपको ये चीज़ किस काम में आता है, आप मतलब फोटो को काट सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम होता है इसमें से। ये फ्रंट का स्टाइलिश है, देखिए आपको जो फ्रंट है आपने लिखा था वो इधर आपको शो कर रहा है, आप उसका स्टाइलिश चेंज कर सकते हैं इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, इधर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, देखिए बहुत सारे आपको इधर बहुत सारे, तमिल में भी है हिंदी में भी है, आपको बहुत सारे आपको मिल जा रहा है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का ये आ गया है, तो हम कुछ दूसरा वाला ले लेंगे, जैसे कि मेरा फेवरेट वाला ये वाला है, ये देखिए हमने चेंज कर दिया है, उसके बाद ओके कर देंगे, ये ओके हो गया, ये देखिए कुछ इस तरह का आता है, तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसको हम छोटा कर देंगे, साइज़ इसका साइज़ को हम छोटा कर देंगे, ये हमने छोटा कर दिया और इसको हमने ले लिया, अच्छा भाई अच्छा हाँ ये आ गया है, इसका साइज़ को हम छोटा कर दिया है, ये फ्रंट का स्टाइलिश के लिए दिया गया है। उसके बाद चलो हाँ इधर में आपको स्टाइलिश मिलता है, इसका अगर प्रेस किया तो इसको आपको इसका नीचे दाग दे सकते हैं, इस तरह का दाग दे सकते हैं, इसको काट सकते हैं तो दाग दे सकते हैं, इसको टेढ़ा कर सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं, देखिए इस तरह का आपको आ जाता है, तो आप इसको हमें तो ये नहीं चाहिए तो इसको काट देते हैं। उसके बाद क्या आता है ये कर्व, आप इसको कर्व कर सकते हैं इस तरह से, हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए इसको आप कर्व कर सकते हैं इस तरह से, आप इसको कर्व कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए आप कर्व कर लीजिए। इसको आप प्रेस करने के बाद ये आपने अगर कोई गलती कर दिया हो, कोई गलती हो गई तो आप ये बीच वाला जो दिखाई दे रहा है ऐसा करके है, आप इसका पर प्रेस करके इसको ठीक कर सकते हैं, आप सुधार सकते हैं, सॉरी। उसके बाद बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड में अगर कोई कलर रखना चाहते हैं तो देखिए बैकग्राउंड में कलर, आप कोई भी कलर रखना चाहते हैं तो, और ये कलर का ऑप्शन के लिए दिया गया है, देखिए मैं दिख रहा हूँ आपको बैकग्राउंड, ये देखिए इसका मतलब आपने जो ये लिखा है ना उसका बैकग्राउंड में अगर कोई भी कलर रख सकते हैं इस तरह से, आप उस कलर का बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, आपको ऐसा मर्जी है, उस कलर के लिए सेटिंग दिया गया है, ये लेफ्ट राइट के लिए दिया गया है, ये ऊपर नीचे के लिए दिया गया है, आपको हर तरह का ये मिल जाएगा। हम इसको काट देते हैं और यहाँ थोड़ा बैक कर देते हैं इसको, ये हमने बैक कर दिया, आप इसको मिडिल में रखना चाहते हैं बीच में ऊपर नीचे, देखिए इस तरह का कुछ आता है, ये देखिए कुछ ये जो लेयर है इसका, इस लेयर को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसके लिए दिया गया है ये तीनों। उसके बाद आपको आता है स्ट्रॉकी, इसके ऊपर प्रेस करने के बाद आपका जो टाइटल है उसका चारों तरफ एक वाइट कलर का ये बन जाता है, देखिए ये थोड़ा ब्लैक कलर का ये हमने सेट किया है, आप यहाँ से कोई भी कलर को ले सकते हैं, कोई भी कलर का ले सकते हैं, ये व्हाइट को भी ले सकते हैं, ब्लैक को हम ले लिए दिखाई दे रहा है अच्छे से, ये ब्लैक को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देखिए आप यहाँ से मल्टी कलर को भी चेंज कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, तो हमने दिखाई दे आपको मैं, तो इधर मैं आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, देखिए ये देखिए प्लस का आइकन, आप यहाँ से भी कोई भी कलर को आप ले सकते हैं कुछ इस तरह से, आप यहाँ से कोई भी कलर को ले सकते हैं इस तरह से, ओके आप इस कलर को ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, कोई भी कलर का रख इस तरह से कुछ आप रख सकते हैं कलर को, आपका कलर जैसा चाहिए, ओके आपको यहाँ पर हर तरह का कलर आपको इधर मिल जाता है, आपको जो जो कलर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है शेडो, ये शेडो का प्रेस करने से आपका टेक्स्ट के अंदर शेडो आ जाएगा, ये देखिए ये थोड़ा शेडो आ गया है,
थोड़ा इस तरह का शैडो, मतलब शैडो का मतलब छाया। ये देखिए ये छाया होता है ना, इसका शैडो, इसको बोलता है शैडो। तो उसका शैडो जो है वो आ गया है, तो उसका ये शैडो आ गया है देखिए इस तरह से। ये देखिए उसका शैडो है, और ये शैडो को ब्लर करने के लिए, घटाने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ आपको हर तरह का शैडो मिल जाएगा। रेड कलर का, ब्लैक कलर का मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है। इसको एनेबल करेंगे तो आप इसको इस शैडो को मूव कर सकते हैं इस तरह से। ये एनेबल कर दीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए इस तरह से मूव कर सकते हैं। आपको जो जिन तरफ को शैडो को रखना है आप रख लीजिए, आपको इधर हर तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा शैडो का, मतलब उसका बैकग्राउंड में जो शैडो होता है। उसके बाद आपको मिलता है इम्बेस, इसके ऊपर प्रेस करने के बाद आपको क्या देखने मिलेगा मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसका ओके कर दिया भाई। ये जो कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है देखिए इस तरह से, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए कुछ ये क्या होता है, करता है ये 3D कर देता है, ये 3D कर देता है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन, मतलब इसका जो कॉर्नर को सिंपली बहुत ही स्मूथ बना देता है ये वाला। देखिए इस तरह से, ये देखिए अपने आप देख सकते हैं। ये देखिए रुकिए थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ इस तरह करके, थोड़ा इसको मैं फोकस करता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का आप कर सकते हैं इसको, मतलब राउंड में। पहले क्या था, ये 2D में था, ठीक है, पहले ये 2D में था, अब 3D में आ गया। पहले देख लीजिए आप मैं कैसे था, ये कुछ ऐसा था। ओके अब मैं इसको बैक करता हूँ, ये मैं काट दिया। ये देखिए आप ये ऐसा बन गया है, ऐसा बन गया है, देख सकते हैं आप। तो हम फोकस कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ हो गया। तो इसके वजह, इसके जरिए से आप उसका जो इफेक्ट है इस तरह का रहता है, उसको आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब 3D, थोड़ा सा लाइट 3D में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका पर प्रेस करने से आपका जो लैंग्वेज होता है आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से फोटो में आपको दिखा देता हूँ, इसको इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आपको ये इस तरह का कुछ मिलेगा, देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको मिलता है इसमें। आप टेक्स्ट को कोई भी तरफ आपको इसको रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप मैं आपको ये इमेज में करके दिखा रहा हूँ, इसका पर प्रेस किया और इसका पर प्रेस किया तो ये हमने इसको चुना, इसके बाद इसको एनेबल कर दिया। एनेबल करने के बाद ये देखिए आप ये फोटो की भी आप कहीं भी कोई भी तरफ कर सकते हैं। थोड़ा फोकस हो जाए भाई, हो गया। तो ये देखिए, तो आप फोटोज को भी कैसे भी कर सकते हैं। ये मैं जो आपको ये सब दिखा रहा हूँ आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी आप कर सकते हैं और आप इसको फोटो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में सेम है। तो हम चलते हैं टेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा, हाँ हो गया, फोकस हो जा भाई, हाँ हो गया। तो हम नीचे चले जाते हैं, नीचे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, इसका प्रेस किया हमने नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद है 3D रोटेट, इसके ऊपर प्रेस किया तो आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इस तरह से आप कर सकते हैं, देखिए दोनों में आप फोटो को और टेक्स्ट को आप दोनों को कर सकते हैं। उसके बाद 3D टेक्स्ट, इसके ऊपर प्रेस करने के बाद आप उसको एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद आपको देखिए 3D का ऑप्शन आपको आ जाता है। इसका पर प्रेस करने से आप कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आता है, देखिए इस तरह का ऑप्शन आता है। इसके बाद देखिए ये थोड़ा बड़ा होता है, छोटा होता है, इधर पूरा छोटा बड़ा कर आप कर सकते हैं। इसके जरिए से आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, देखिए कलर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो उसके बाद आपको ये डार्कनेस, ये डार्क हो जाता है और फिर कलर में आ जाता है। और ये जो चीज़ें आपको ये कोई भी तरफ आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये देखिए ये रोटेट का ऑप्शन है। उसके बाद ये क्या है, ये आपका जो कलर का मतलब लाइटिंग, आप कौन सा तरफ इसका लाइटिंग अच्छा लगता है आपको, आप वही तरफ इसका लाइटिंग करवा दीजिए। ओके उसके बाद ये जो है, ये इसका ओपेसिटी कम करने के लिए है, ये इसका ये शैडो के लिए है। उसके बाद इसका जो ये चीज़ है आप देख लीजिए, ये कुछ इस तरह का ये काम करता है। और एक चीज़ है, आप इसको इस तरह कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का काम करता है, देखिए इस तरह का ये काम करता है। उसके बाद हम इसको ऐसा इसका पर करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये हमारा ऐसा चीज़ बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 3D शैडो का, इसका पर पेस्ट किया, ये देखिए हमारा 3D शैडो जो है इधर आ गया है। ये देखिए कुछ इस तरह का 3D शैडो है, मतलब वो जो रहता है उसका शैडो बन जाता है ना, उसका कुछ इधर आ जाता है। देखिए इस तरह से आ जा भाई, थोड़ा सा घूम जा थोड़ा, मेरा मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम मतलब टच है ना, कम नहीं करे बराबर। तो चलो हम लोग कैसे भी काम निपट लेते हैं। इसके ऊपर प्रेस किया, अच्छा भाई हाँ प्रेस किया। उसके बाद हमने यहाँ से 3D शैडो को लिया था, अच्छा भाई हाँ 3D शैडो को लिया था। ये 3D शैडो मतलब नीचे उसका एक शैडो बन जाएगा जिस तरह से फोटो लगाया गया है। ये देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह से ब्लैक होता है और काला भी हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसका पर प्रेस किया और इसका दो शैडो है बन गया है। तो इसका शैडो बन जाता है इस तरह से। आप इसको डार्कनेस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ओके कर देंगे। उसके बाद आपको मिलता है मिरर, मतलब वाटर में जैसा होता है ना, पानी में ऊपर नीचे दिखाई देता है ऐसा, मिरर का टाइप का, आईना का जैसा आपको नीचे दिखाई देगा ऊपर दिखाई देगा। ये सेव कर दिया हमने, देखिए कुछ इस तरह का ये टेक्स्ट सेव हो गया। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, हाँ। उसके बाद आपको जो ये वाला बताया था ना मैंने, ये वाला इसका अगर प्रेस करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का ये बन जाता है, ये लाइटिंग के लिए दिया गया है। तो आप इसका जरिए से आप जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है टेक्स्ट को, बहुत सारे लिखा हुआ रहता है डिजाइन सा, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको फ्रंट का स्टाइलिश आपको इधर मिल जा रहा है,
फ्रंट का स्टाइल इधर में आपको मिल जा रहा है, आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए माई फ्रंट, आपको यहां से डाउनलोड कर भी आपका फाइल में अगर फ्रंट है, बहुत तरह तरह का स्टाइलिश फ्रंट है, आप इसको लगा सकते हैं। ये रिसेंट का दिया गया है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहां से। इस तरह का मैं दिखा देता हूं आपको, इसका प्रेस किया और ओके कर दिया, ये देखिए इस तरह से बन जाता है। ये देखिए, तो आपको जैसा फिल्मों में होता है ना टेक्स्ट यूज़ होता है ना, आप इस तरह का टेक्स्ट यहाँ से बना के क्रिएट कर सकते हैं। आपको जैसा मर्जी आप उस तरह का यहाँ से टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हैं, और हाँ फोटो को भी आप एडिट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ये जो बैकग्राउंड में जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप काटना है, काटने के लिए आपको इसके ऊपर प्रेस करना पड़ेगा, सॉरी इसके ऊपर प्रेस कीजिए। ये टेक्स्ट कवर प्रेस करने के बाद मैं आपको और भी एक चीज़ बताया था, इधर में था ये टेक्स्ट कवर प्रेस किया मैंने, ये वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा ना इसके बारे में मैंने बताना भूल गया था, ये TEXTURE, ये आपको ए में मिलता है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन है। इसके ऊपर प्रेस करने से आप गैलरी में कोई भी फोटो को चूज कर लीजिए। देखिए मैंने कोई फोटो को ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, इसको मैं ये वाला जो कैप्चर है इसको मैं ले लेता हूँ, ये वाला कैप्चर को आप फोटो में कोई भी इफेक्ट को लगा सकते हैं। देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, ये जो टेक्स्ट का जो कलर था वो उसमें चेंज हो गया है, हमने जो अभी जो फोटो लिया है उसमें ये चेंज हो गया। आप यहाँ से उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, देखिए इस तरह से कुछ। अब टेक्स्ट को अपना मर्ज, अपने दूसरा भी मैं फोटो ले लेता हूँ, देखिए मैं किसका लूँ इसी का ले लेता हूँ। ये देखिए कुछ इसी का जो ग्रीन दिखाई दे रहा है उसी का मैं फोटो को ले लेता हूँ, क्रॉप करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का ये आ जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह का ये फोटो। आप टेक्स्ट में अपना बैकग्राउंड में अपना फोटो को लगा सकते हैं, ये देखिए थोड़ा फोकस हो जाए भाई, फोकस हो जाए, ये देखिए ओके, आप इसको टिक कर सकते हैं, अपना फोटो को लगा सकते हैं, अपना कोई भी इमेज को। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप जैसा मर्जी आप उस तरह का लोगो, उस तरह का टेक्स्ट, उस तरह का फोटोज को आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इधर का खत्म हो गया, नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला, इसका अपन प्रेस करने के बाद आप इधर बोल रहे हैं स्टिकर ऐड करने के लिए, स्टिकर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस तरह से, कोई भी स्टिकर आप ले सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है इंपोर्ट, आप यहाँ से कोई भी फोटोज़ को आप ले सकते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, यहाँ से कोई फोटो को आप ले लीजिए। देखिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, हो जाए बैक कर देते हैं, ये डिलीट हो गया है, ये डिलीट कर देते हैं इसको हम। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ का मतलब आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह का आप कोई भी कलर में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इस सबके बारे में तो आपको मैं बता दिया है। उसके बाद इस ये जो होता है ना इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, इस तरह काटने के लिए दिया गया, आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए, ओके नहीं अगर टिक कर देंगे तो वो जो है कट जाता है कुछ इस तरह से, ये देखिए ओके, तो हम बैक कर देंगे इसको, ये बैक कर दिया। उसके बाद इसका ऊपर प्रेस करने के बाद आप यहाँ से कलर, अपना जो बैकग्राउंड में कोई भी कलर आप ले सकते हैं जिस तरह का, यहाँ से प्लस करके आप कोई भी कलर को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका ऊपर प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पे कोई भी कलर आप ले सकते हैं, यहाँ आपको हर तरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये कलर का ऑप्शन का प्रेस करके आप व्हाइट ले सकते हैं, और नहीं तो इसको ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। देखिए ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है ये फोटो का बैकग्राउंड में अभी कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। अब इस फोटो को कहीं भी यूज़ करोगे ना, ये देखिए, तो इसका पीछे कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो को बड़ा करके, ये हमने बड़ा कर दिया और इसको लिया, देखिए इसका पीछे थोड़ा कैसा हो गया भाई, थोड़ा बड़ा हो जाए, हाँ इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसका पीछे कुछ भी नहीं है, देखिए इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद इमेज साइज है, आप यहाँ से इमेज को ऐड कर सकते हैं फ्रॉम गैलरी, आप गैलरी से इमेज को ले सकते हैं, और इधर कैमरा, फ्रॉम कैमरा से आप फोटो को क्लिक कर सकते हैं। देखिए इसका अगर प्रेस करेंगे तो आपका जो इधर से कुछ फोटोज है आप इसको बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से आप ले सकते हैं आपको जो मर्जी हो, नहीं तो आप गैलरी से भी ले सकते हैं, आपका गैलरी में जो फोटो है आप इसको ले सकते हैं इस तरह से। ये देखिए बैकग्राउंड में ये आ जाता है, ये देखिए ये जो पूरा है बैकग्राउंड में आ गया है, तो हम इसको बैक कर देंगे, ये बैकग्राउंड के लिए था। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये एक जादुई छड़ी दिखाई दे रहा है, जादुई छड़ी, इसका ऊपर प्रेस करने से, इसका ऊपर प्रेस करने के बाद आपको क्या मिलता है, इफेक्ट मिलता है। देखिए इधर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जा रहा है, यहाँ आपको रोटर का इफेक्ट मिल जा रहा है, यहाँ आपको शैडो का इफेक्ट मिलता है, आप शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं जिस तरह से, शैडो को बढ़ा सकते हैं, यहाँ आपको नॉइस का ऑप्शन मिलता है, देखिए नॉइस का ऑप्शन, आपको नॉइस मिलता है, आपको कुछ इस तरह का नॉइस मिलता है आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन ये मिलता है, देखिए कुछ इस तरह का। उसके बाद आपको यहाँ ब्राइटनेस, कलर, ये सब तो आपको मालूम है ना, ये ब्राइटनेस मतलब लाइटिंग के लिए दिया गया है। उसके बाद आपको कलर के लिए दिया गया है, कलर आपका जो कलर बढ़ जाएगा, यहाँ आपको इफेक्ट मिलता है बहुत तरह तरह का, ये देखिए ये भी कलर है, इस तरह का आप कलर चेंज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको फोटो तैयार होने के बाद, ये हम थोड़ा इसको पीछे हम उसको बैकग्राउंड में इसको ये कर देते हैं, थोड़ा इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। देखिए फोटो का ऊपर प्रेस करने के बाद, आप ये फोटो का ऊपर मैंने प्रेस किया, आपको सेम ऑप्शन मिलता है, देखिए कुछ सेम ऑप्शन मिलता है आपको। इधर आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, कुछ यहाँ से आप कुछ ले सकते हैं। इसके ऊपर प्रेस करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पूरा सेम ऑप्शन है। देखिए ये टेक्स्ट में है ना, ये टेक्स्ट है तो आपको इसका अंदर मिलेगा, देखिए इसका अंदर मिलेगा, और इसका ऊपर प्रेस करने के बाद आपको इसका अंदर मिलेगा, क्रॉप का ऑप्शन, नीचे का ऑप्शन, देखिए इसका ऊपर प्रेस करने से कलर हो जाता है, कलर आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, आप यहाँ से कलर ले सकते हैं कुछ इस तरह का, तो बैक कर देता हूं इसको मैं, हाँ बैक हो गया, आप इसको इफेक्ट मिल जाता है। आपका फोटो बनने के बाद आपको मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये हमने डिलीट कर दिया इसको,
थोड़ी इसको हम बैक कर देते हैं, बैक 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 हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए जल्दी। हाँ ये हो गया है, इसका डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया है, ये डिलीट हो जाता है। उसके बाद हम बैकग्राउंड को हम काट देते हैं, काटने के बाद हमारा पीएनजी फोटोस, पीएनजी का मतलब होता है बैकग्राउंड में कुछ भी ना हो, सेव कर। ये देखिए इसका प्रेस करेंगे तो आपको पता है हमें इधर आपको मिलता है उसका जो लेयर का ऑप्शन। उसके बाद आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, अपना किसी को आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो सेव कर सकते हैं, या फिर सीधा यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसका आप सेव करेंगे तो ये सेव प्रोजेक्ट, आपने किस तरह से इसको बनाया उसका एक प्रोजेक्ट, उसका एक वीडियो सेव हो जाएगा। उसका नीचे जो है सेव एस इमेज, आपका ये इमेज सेव हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, सेव इमेज का प्रेस करना है और इधर आपको पीएनजी जेपीजी लिखा हुआ है, जेपीजी का मतलब फोटोस है और पीएनजी का मतलब पीएनजी, आपको इसे रखना है। आपको यहाँ क्वालिटी मिलता है, आपको किस क्वालिटी चाहिए, हाई क्वालिटी, वेरी हाई, अल्ट्रा, मीडियम, लो, आपको डिफॉल्ट में सेट करना है। उसके बाद आपको सेव करना है, सेव करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद आपका इमेज हो, ये इमेज सेव, ये सेव हो जाता है, नहीं तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ओके इसके ऊपर प्रेस करने के बाद आपको क्या मिलता है, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, या फिर आप फुल स्क्रीन ले सकते हैं, ये जो स्क्रीन है उसको फुल मिल जाएगा। उसके बाद आपको इधर बहुत सारे आपको मिल जाता है, कॉन्टैक्ट, इमेज साइज, ये जो इमेज साइज लिखा हुआ है इसके ऊपर प्रेस कीजिए। उसके ऊपर प्रेस करने के बाद आप यहाँ से कस्टम को चूज कर सकते हैं, या फिर ये देखिए यूट्यूब चैनल बैनर के लिए आप ले सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल उधर के लिए भी आपको इधर मिलता है, फेसबुक कवर आर्ट। देखिए एक एक फोटोज का साइज होता है ना, उसका पिक्सल साइज होता है, वो मालूम नहीं होता है तो आप ये देखिए यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए आप इसका प्रेस कीजिए। ये देखिए 1280 उसका 720p हाइट है, ओके कर दीजिए तो ये कुछ इस तरह का बन जाता है। यूट्यूब का जो थंबनेल का साइज होता है ये बन गया है, यहाँ से ले सकते हैं। ओके और एक बात आपने सेव करना मैं आपको दिखा दिया है, और ये जो एप्लीकेशन का नाम है ये है इसका PIXEL लैब। इसका बारे में आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाने के बाद आप क्या कीजिए, सॉरी यूट्यूब में आपको सर्च करना पड़ेगा कुछ इस तरह का, देखिए PIX आपको इस एप्लीकेशन का नाम लिखना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन का आपको नाम लिखना पड़ेगा इधर। उसके बाद आप हिंदी, आपका बंगाली, उड़िया, आपको जो भी लैंग्वेज में चाहिए आप कह दीजिए। इधर देखिए पिक्सलैब हिंदी फ्रंट डाउनलोड, आप जो फ्रंट है ना इसका, फ्रंट का मतलब ये होता है, ये जो फ्रंट है, ये जो फ्रंट होता है ना, किधर है भाई, इसका ऊपर प्रेस किया हमने, थोड़ी इसका ऊपर प्रेस कर दिया, ये जो फ्रंट है ना, ये फ्रंट बोलता है इसको, ये रहा फ्रंट, आपको मैं बोला था ना माई फ्रंट, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। आप डाउनलोड करने के लिए आप यूट्यूब में देख सकते हैं, ये देखिए बोल रहे हैं पिक्सलैब का फ्रंट डाउनलोड, हिंदी फ्रंट कैसे डाउनलोड करें, आप फ्रंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत तरह तरह का वीडियो है, आप देख सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। मैं सिंपली एक इसका बार प्रेस कर देता हूँ, ये देखिए आप फ्रंट को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश स्टाइलिश। आपको अगर इसमें इतना सारा फ्रंट ऑलरेडी दिया गया है, इतना सारा दिया गया है स्टाइलिश का, इतना सारा दिया है, आपको ख़त्म नहीं होगा। इससे अलावा अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो आप YouTube में ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। इन लोगों का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और लिंक को डाउनलोड करके आप उस फ्रंट को यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप YouTube में सिंपली आपको लिखना पड़ेगा, इसको मैं काट देता हूँ, हिंदी ट्यूटोरियल, हिंदी सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से कैज इधर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने डिज़ाइन किया है कुछ इस तरह का, नेम लिखिए देखिए और डिजाइन क्या है, किस तरह से इधर डिजाइन करते हैं आपको दिखने मिलेगा। देखिए किसने लोगो बनाया है, कुछ इस तरह का लोगो बनाया है, तो आप मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसका अंदर से आपका जैसा मर्जी होता है, आपका जैसा मन बोलता है आप उस तरह का लोगो बना सकते हैं, उस तरह का टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, आपको हर तरह का ऑप्शन इसका अंदर मिल जाता है। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके आप इधर इसका अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है और सर्च करना है इसमें टेक्स्ट को कैसे एडिट करें। इधर माइक का बटन है, उसका अंदर बोल दीजिए जो मेरे को टेक्स्ट एडिट करना है, कैसे टेक्स्ट को एडिट करें 3D में, 3D टेक्स्ट इधर देखिए सर्च कीजिए, 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट आपको लिखना है इधर में, 3D लोगो लिखना है, देखिए 3D टेक्स्ट इधर, इस तरह का कुछ आप बना सकते हैं, इस तरह का कुछ बना सकते हैं, इस तरह का कुछ बना सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हैं, इधर देखिए कुछ इस तरह का भी बना सकते हैं। आपको जैसा इस तरह का भी आप बना सकते हैं, आपका जैसा मर्जी, जैसा टीवी में फिल्म में होता है ना, ये देखिए आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना होगा और फिर यूट्यूब पर जाके इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और भी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से सीख के आप उसके अंदर बहुत ही आसानी से बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। आपको जैसा मर्जी बोलता है, जैसा मन बोलता है, आप उस तरह का टेक्स्ट को उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल से। आपको बस उसका अंदर थोड़ा जानना है और यूट्यूब में आके थोड़ा सीखना है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, देखने के बाद आपको पूरी तरह से मालूम हो जाएगा आपको किस तरह का टेक्स्ट बनाना है। तो मैं अगर इस सब वीडियो को कैसे बनाया मैं दिखाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आप जो अभी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, पुश कर देता हूँ, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोडिंग का लिंक मिल जाएगा। आप इस डाउनलोड लिंक के ऊपर प्रेस करके ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस लाइक का बटन के ऊपर प्रेस कर दीजिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए सबसे अच्छा रहेगा। ओके तो और कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो।
मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना भाई लोग फ्रेंड लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय भाई लोग।